हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं नेहा। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ए टू जेड क्लास में स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि छोटे बच्चों को एडिशन कैसे सिखाया जाए। तो एडिशन सिखाने का सबसे इजी तरीका है, इजी तरीका हम आपको यहां पर बताएंगे। तो एडिशन सिखाने का फोर मेथड है। सबसे फर्स्ट स्टेप है, आप यहाँ पर देख, सबसे फर्स्ट स्टेप है कि हम बच्चों को एडिशन पिक्चर के थ्रू दिखाएंगे सिखाएंगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर कुछ पिक्चर्स बनाए हैं एप्पल्स के। तो हम बच्चों को कहेंगे कि ये पिक्चर्स को काउंट करें, पिक्चर्स को काउंट करें। तो सबसे पहले 1 2 3, 3 बार काउंट किया। यहाँ पर इस बॉक्स में क्या लिखेंगे हम, 3। फिर कितने पिक्चर्स हैं, 1 2, तो हम इस बॉक्स में क्या लिखेंगे, 2। अब बच्चे को कहेंगे कि वो स्टार्टिंग से काउंट करें, 1 2 3 4 5। तो इस बॉक्स में क्या आएगा हमारा आंसर, 5। हमारे कितने पिक्चर्स हुए, 5 पिक्चर्स। इसी तरह हम नेक्स्ट बनाएंगे, फिर बच्चे को कहेंगे इसे काउंट करें, 1 2 3 4, कितने हुए। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 4। फिर कितने पिक्चर्स हैं, 1 2, तो हम क्या लिखेंगे, 2। तो हम इसे पूरा शुरू से काउंट करने के लिए कहेंगे बच्चों को, 1 2 3 4 5 6, कितना आया हमारा यहाँ पर, 6। तो हमारा आंसर क्या हुआ, 6। ये एडिशन का सबसे फर्स्ट स्टेप है। इस तरह से बच्चे बहुत ही आसान तरीके से सीख जाते हैं। अगला स्टेप है हमारा एडिशन सीखने का, अगला स्टेप है नंबर लाइन के थ्रू। हम बच्चों को नंबर लाइन के थ्रू स्टेप एडिशन कैसे सिखा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है हमारा, 5। तो हम बच्चों को एक स्टोरी की तरह बताएंगे कि उबू से एक रैबिट है, वो रैबिट 5 तक जंप करेगा। 0 से 5 तक उसने जंप किया, अब कितना है, 7। तो उसे 7 तक काउंट करने के लिए कहेंगे, स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 आने पर हमारा ये कहाँ तक पहुँच गया, 12 तक। यानी 5 और 7 को प्लस करने पर कितना आता है हमारा, 12। इसमें बच्चों को बार बार काउंट करने की ज़रूरत नहीं होगी, बस स्टोरी के माध्यम से पहले रैबिट ने 5 तक जंप किया, फिर उसके बाद 7 और जंप किया। तो कहाँ तक हमारा रैबिट पहुँचा, 12 तक। यानी कितना आया हमारा, 12। इसी तरह अगला भी देखेंगे कैसे करना है, 6 है। तो फिर बच्चों को कहेंगे कि रैबिट पहले 6 तक जंप करेगा, 6 तक जंप किया, फिर उसके बाद कितना है, 8। तो 8 बार वो और जंप करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जब रैबिट ने 8 बार जंप किया तो कहाँ तक पहुँचा वो, 14 तक। तो हमारा आंसर क्या आया, 14। इस तरह बच्चा बहुत ही आसान तरीके से सीख जाएगा। ये था हमारा एडिशन का दूसरा स्टेप नंबर लाइन के थ्रू। अब हम चलेंगे एडिशन के थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप क्या है एडिशन का, एडिशन को हम ज़्यादातर बुक्स में ऐसे ही दिए रहते हैं एडिशन, जिस तरह मैंने यहाँ पर बताया है। तो ये एडिशन जो है विदाउट कैरी वाले एडिशन है। तो हम कैसे बच्चों को बताएंगे, लाइन ड्रॉ करके। यहाँ पर क्या लिखा है, 7। तो हम बच्चों को पहले बोलेंगे 7 लाइन ड्रॉ करने के लिए, 1 2 3 4 5 6 7। फिर यहाँ पर कितना है, 5। तो हम बच्चों को कहेंगे कि वो 5 तक 5 लाइन और ड्रॉ करें, 1 2 3 4 5। अब बच्चे को हम कहेंगे वो स्टार्टिंग से काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितना है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 12। बहुत ही इजी तरीका है ये। फिर कितना है, 8 और 3। सबसे पहले 8 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कितना है, 3। 3 लाइन और ड्रॉ करेंगे, 1 2 3, स्टार्टिंग से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पर कितना आया, 11। ठीक, बच्चे को हमें ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ये विदाउट कैरी वाला कैसे हुआ। जैसे यहाँ पर लिखा है कि 4 और 2, सबसे पहले उसने 1 2 3 4 लाइन ड्रॉ करना है, फिर 2 लाइन मोर, 1 2, स्टार्टिंग से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6।
यहाँ पर कितना है सिक्स। बच्चे को ये बताना बहुत जरूरी, जब तक 1 से लेके 9 तक नंबर आ रहे हैं वहाँ पर, जब तक सिंगल नंबर आ रहे हैं तो वो विदाउट कैरी वाले हैं। जहाँ से 9 के बाद 10 आना स्टार्ट हुआ यानी ये कैरी वाले हो गए। तो यहाँ पर सिंगल नंबर है इसलिए 4 और 2 6 आया यानी ये कैरी वाले नहीं है। बच्चे को इसी तरह बताना है कि उसे कैसे पहचानना है कि ये एडिशन कैरी वाले हैं और ये एडिशन विदाउट कैरी वाले हैं। तो यहाँ पर अब हम अगला करेंगे 3 और 2। 1 2 3 फिर 2 मोर, 1 2 स्टार्टिंग से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर क्या आया 5। अगला हम इसी तरह देखेंगे 5 है, 1 2 3 4 5। 5 लाइन ड्रॉ किया, 1 1 लाइन और ड्रॉ किया, स्टार्टिंग से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर क्या आया 6। अब 6 लाइन ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 5 6। 7 लाइन मोर, 1 2 3 4 5 6 7। स्टार्टिंग से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 13। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा विदाउट कैरी वाले बच्चों को कैसे सिखाएं एरो के लाइन ड्रॉ करके। ये हमारा एडिशन का स्टेप 3 था। अब हम एडिशन का 4 स्टेप में पहुँचेंगे। 4 स्टेप में क्या है, ये एडिशन है कैरी वाला। तो यहाँ पर आप देख ही रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने 2 सर्कल बनाए हैं ये कैरी काउंट करने के लिए। तो हमेशा ये हमेशा 1 की प्लेस होती है और ये 10 की प्लेस है। तो सबसे पहले जब भी प्लस करेंगे तो हमेशा 1 की प्लेस को प्लस करते हैं। जैसे यहाँ पर 8 है और ये 4, तो सबसे पहले हम 8 लाइन ड्रॉ करेंगे। 8 लाइन ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कितना है 4, तो हम क्या करेंगे 4 लाइन और ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4। स्टार्टिंग से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 12 हमने कैसे लिखा, 1 और 2 12, तो अब ये 2 नंबर्स हो गए। तो अब बच्चे को ये समझ में आ जाएगा जहाँ से ऐड करने पर अगर 2 नंबर्स आए तो वो क्या हो गया, कैरी वाला एडिशन हो गया। तो 1 की जो प्लेस है वो हम यहाँ लिखेंगे और जो 10 की प्लेस है उसे हम कैरी में ले जाएंगे। तो ये कैरी कितना हुआ 1। अब हम इधर के काउंट को करेंगे 7 और 3 को। सबसे पहले 7 लाइन ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। 3 लाइन और ड्रॉ करेंगे 1 2 3, कैरी कितना है 1। अब स्टार्टिंग से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हमारा यहाँ पर क्या आया 11। तो इस तरीके से बच्चों को बहुत ही इजीली तरीके से समझ में आएगा। नेक्स्ट इस तरह हम बना लेते हैं। सबसे पहले क्या, 1 की प्लेस को काउंट करते हैं। तो 1 कितना है यहाँ पर 9। तो हम सबसे पहले लाइन 9 लाइन ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब कितना है 7। 7 लाइन और ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। स्टार्टिंग से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 हमने कैसे लिखा ऐसे। तो यहाँ का जो 1 की प्लेस है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे, और जो 10 की प्लेस है वो किस में आ जाएगा, कैरी में। ये 1 जो है वो कैरी में आ गया। तो अब हम इधर 10 की प्लेस को काउंट करेंगे 8 6 और 1 को काउंट करेंगे। तो 8 लाइन ड्रॉ करेंगे सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर कितना है 6, तो हम 6 लाइन और ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 5 6, और एक कैरी भी था तो एक कैरी और ड्रॉ करेंगे। अब स्टार्टिंग से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 15। इसी तरह हम अगला बना लेते हैं। सबसे पहले 1 की प्लेस को काउंट करते हैं 6 और 5 लाइन ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 5 6। 5 लाइन और ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 5, 5 लाइन सॉरी। अब स्टार्टिंग से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11। तो 11 हमने कैसे लिखा, ऐसे। तो जो ये 1 की प्लेस है वो किधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और जो ये 10 की प्लेस है वो कहाँ चले जाएगा, कैरी में। अब हम इसे क्या करेंगे, काउंट करेंगे इधर 10 की प्लेस को, 2, 5 और कैरी वाला 1, 1, 2। अब 5 मोर, 1, 2, 3, 4, 5, और 1 क्या है, कैरी। स्टार्टिंग से काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पर कितना आया, 8। अब इसी तरह हम नेक्स्ट बना लेते हैं। ये जो हमने सर्कल दिया है ये सिर्फ कैरी कैरी फिल करने के लिए, जिससे बच्चों को इजी पड़ेगा। यहाँ पर कितना, फिर से 1 की प्लेस को सबसे पहले काउंट करते हैं, 7 और 3, 7 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 3 लाइन मोर, 1, 2, 3। स्टार्टिंग से काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 हमने कैसे लिखा, ऐसे, 1 की प्लेस को नीचे, और जो ये 10 की प्लेस है वो कहाँ चले जाएगा, ये कैरी में। अब स्टार्टिंग से कर, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और जो 1 है, 1, ये कैरी वाला 1। अब स्टार्टिंग से काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा, 11। ये रहा एडिशन का 4 स्टेप, और ये है एडिशन के कैरी, एडिशन कैसे हैं कैरी वाले। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई भी क्यूरी हो तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।